नमस्कार, मैं हूं शंकर गोस्वामी और आप देख रहे हैं संकरा ब्लॉग। स्वागत है फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग काफी सुंदर होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं बरकट्ठा प्रखंड के अंतर्गत चचकपी में हो रहे महायज्ञ का नजारा। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ भाई, आपको बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिए, चाहे जो भी हो चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिनांक 10/2/2023, हम निकल चुके थे चचकप्पी जहां यज्ञ हो रहा था। रास्ते में पूरी लाइट लगी हुई मिल रही थी। तो भाई फाइनली हम लोग जहाँ जगह है वहाँ का गेट हम लोग क्रॉस करने वाले। देखिए यहाँ से लाइटिंग वगैरह शुरू हो गया है और यहाँ से हम लोग इन कर रहे हैं जग के लिए। देख लीजिए, ज्यादा मामला खराब भगवान शिव को ही होता है। क्या हो गया मेरे? फाइनली हम पहुंच चुके थे उस जगह जहाँ यज्ञ हो रहा था। पहुंचते ही मैं अपने दोस्तों को कॉल किया। तो फाइनली भाई हम लोग मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे दोस्त मिले हैं सबको। आज अजय और आज इंद्रदेव मेरे साथ आया है, और ये देखिए राहुल आज कैमरा लेकर के पहले से मौजूद है। और ये अजय भाई, भाई को कोऑपरेट करो और संक्रम ब्लॉग को सब्सक्राइब करो। क्या बात, ये तो हमको प्रमोशन करने में लगे हुए हैं। ठीक है भाई, क्या बताऊं, गजब का नजारा देखते ही बन रहा था। बाबा भोलेनाथ की भव्य शिवलिंग बनाया गया है जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। ये जो शिवलिंग बनाया गया है बरकट्ठा प्रखंड के अंतर्गत चचकप्पी में बनाया गया है, लोगों को काफी पसंद आ रहा है। आइए कुछ तस्वीर आपको भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं यज्ञशाला की ओर। तो भाई जब मैं प्रवचन पंडाल में पहुंचा तो वहां का भी गजब का नजारा। सभी लोग भक्ति में रमे हुए थे, सभी लोग कतार बाई कतार बैठे हुए थे, सभी कोई भक्ति में झूम रहे थे। देखिए आप भी। लेकिन हां, अगर मैं इतने सुंदर जगह पे गया था तो ड्रोन को कैसे भूल जाता। हमने ड्रोन लेकर के भी गया और कुछ वीडियोस ड्रोन से भी शूट किया हूं। आइए आप भी देखिए।
अरे भाई ये क्या, हमें पता भी नहीं था कि आज यहाँ दीप उत्सव ही होने वाला है, यानी कि एक साथ 2000 दीपक जलाए जाएंगे इस मंदिर में। जी हाँ, आपको भी दिखाता हूँ, देखिए। क्या कहूँ, आने का मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन देर काफी हो चुकी थी। हमने अपने दोस्तों के साथ प्रसादी लिया, प्रसादी ग्रहण किया और फिर पुनः वापस अपने घर की ओर निकल दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ भाई, हाँ आपको बोल रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।